चीन में लगातार मुस्लिम अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार के विरोध में लोगों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर शांतिपूर्ण तरीके से चीन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए राष्ट्रपति को भेजे ज्ञापन में चीन के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। सर्वधर्म हिताय सेवा संस्था के बैनर तले सभी धर्मों के संगठनों ने महामहिम राष्ट्रपति को भेजे ज्ञापन में यह मांग की है कि देश व विदेश में कहीं भी किसी भी धर्म या मजहब पर किसी की आस्था को अगर चोट पहुँचती है तो हमारा संगठन उस चोट पहुँचाने का पुरजोर विरोध करता है, चाहे वे व्यक्ति किसी भी समुदाय का क्यों न हो। ऐसा ही एक घटना हमारे पड़ोसी देश चीन में इस्लामिक मुस्लिम अल्पसंख्यकों उइगर समुदाय पर हो रही है। चीन देश उइगर मुस्लिम संस्कृति एवं इस्लामिक चिन्ह मस्जिदों को भी नष्ट किए जा रहा है। लगभग 2017 से अत्याचार अल्पसंख्यक पर लगातार जारी है। ज्ञापन के माध्यम से सर्वधर्म हिताय सेवा संस्था यह मांग करता है कि चीन एक घृणित कार्य पर हमारे देश की सरकार को कठोर कदम उठाना चाहिए। ज्ञापन के माध्यम से यह भी कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो चीन से इस्लाम मजहब समाप्त हो जाएगा। हिंदुस्तान एक धर्म प्रिय देश है, सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए और कार्यवाही करनी चाहिए। संघ संगठन चीन की इस घृणित कार्य की घोर निंदा करता है। ज्ञापन देने वालों में दिनेश कुमार सिंह, महिपाल सिंह, मनोज सिंह राठौर, अरुण मसीह, अरुण अग्रवाल, माइकल मसीह, अरविंद थॉमस, अमरदीप सिंह, निशांत परवेज, सिकंदर आजम, इकबाल जफर, मोहम्मद अजीम आदि लोग मौजूद थे। माइकल मसीह, माइकल जी, किस संबंध में आना हुआ है, क्या प्रदर्शन आ जाएगा? आज सर्वधर्म संयुक्त मंच के बैनर तले जिलाध्यक्ष विकास दिवाकर जी के संरक्षण में और उनके मार्गदर्शन में जो चाइना में चीन में उइगर मुस्लिम समुदाय को जिस तरह से सताया जा रहा है, उनका दमन किया जा रहा है, उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, उनके धार्मिक रीति रिवाजों को खत्म किया जा रहा है, इसके विरोध में आज माननीय महिमहिम महामहिम राष्ट्रपति को जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन देने के लिए हम लोग सभी एकत्रित हुए। क्या मांग है आपकी? कि जिस तरह ये चीन एक विशेष समुदाय को निशाना बना रहा है, उनके धार्मिक कार्यक्रमों को नष्ट कर रहा है, उनके धार्मिक स्थलों को खत्म कर रहा है और उनके परिवार और उनके जीवनों को खत्म करने पर तुला हुआ है, इसके विरोध में हम सब एकत्रित हुए हैं और मांग करते हैं कि ये अत्याचार और ये प्रताड़ना और सारे जिन लोगों को सताया जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है और धार्मिक स्थलों को तोड़ा जा रहा है, इस सब को खत्म किया जाए और चीन के विरुद्ध कार्रवाई की